जिस प्रदेश के आप मुख्यमंत्री रहे, तीन तीन बार, उससे भी अधिक बार हमारी पार्टी तो मुख्यमंत्री रही, उसका पहला पहला परिचय मुझे तब हुआ था जब मैं 1945 में गया था गुजरात। और 45 में मैं जब गया था तो गुजरात के बारे में एक ही शब्द सुना था बहुत, वो महात्मा गांधी के बारे में, या महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे के सारे जो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख रहे उनका तो सुना ही था, लेकिन गांधी जी के बारे में एक एक शब्द जुड़ता था, साबरमती के संत। और मैं आपके सामने स्वीकार करना चाहूंगा कि मैंने जब पहली बार साबरमती देखी तो मन में बहुत क्लेश हुआ। उसको कोई नदी कहे और जिस नदी के नाम से गांधी जी को पुकारा जाए, साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल, ये तो दुख देती थी उसको कोई। उस समय मुझे स्मरण है उसका, मैंने किसी को कहा कि ये तो कोई गंदा नाला दिखता है, आसपास भी जिस प्रकार के दृश्य है सारी गंदगी दिखती है, दुख होता है। और मैं कई बार कहा करता हूं कि बाकी कई सारी उपलब्धियां होंगी गुजरात की जिनके बारे में हम लोग गर्व कर सकते होंगे, नरेंद्र भाई भी गर्व करने का उनको अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से नर्मदा के पानी को साबरमती में ला करके और साबरमती को एक अद्भुत स्वरूप दिया है नरेंद्र भाई ने, उसके लिए मैं आज उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। वहां पर नदी बहती है और नदी के ऊपर लॉन्च में लोग जा सकते हैं। पहली पहली लॉन्च जब चली थी तो नरेंद्र भाई के साथ साथ मैं भी साथ साथ गया था। अद्भुत स्थिति थी, जैसी आपने कभी पेरिस में या और यूरोप के कई शहरों में अनुभव की होगी कि जहां शहर के बीचों बीच कोई नदी जा रही है। मैं इस बात का वर्णन इसलिए कर रहा हूं कि सुशासन देना और उसके कारण सबसे अधिक लाभ उसी को होगा जिसके लिए अध्यक्ष जी ने आज ही कहा कि हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुशासन का लाभ सर्वाधिक किसी को होना चाहिए तो गरीब को होना चाहिए।